विक्रेताओं की संपत्तियों का भी जांच होना चाहिए। अधिकारी उन्हें 60 अंक तभी देंगे जब महिलाएं या पुरुष उनकी बात माने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम हमान सिंह, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर आज हम बात करेंगे धरने की, जो कि इस समय चल रहा है। आज पूरे दिन वो धरना चल रहा है। अभी आपको वीडियो हम दिखाएंगे, वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। संविदा के विरोध में छात्र रोड पर उतर चुके हैं, डीएम कार्यालय में जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं और रोड पर धरना दे रहे हैं। धरना देना आम नागरिक का एक अधिकार होता है, अगर वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो। और मेरा भी व्यक्तिगत ये मानना है, संविदा प्रक्रिया कहीं से भी सही नहीं है। रीजन, संविदा प्रक्रिया में क्या है, 5 साल तक संविदा है, प्रत्येक वर्ष 60 अंक लाने हैं और उस 60 अंक को लाने के लिए एक व्यक्ति का 3 प्रकार से शोषण हो सकता है। मानसिक शोषण हो सकता है, आर्थिक शोषण हो सकता है, शारीरिक शोषण भी होगा। शारीरिक शोषण कैसे, महिलाओं का भी शारीरिक शोषण होगा, क्योंकि अधिकारी उन्हें 60 अंक तभी देंगे जब महिलाएं या पुरुष उनकी बात मानेंगे। इसमें घुसखोरी जोरों पर चलेगी दोस्तों, इसलिए छात्र जगह जगह संविदा प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए कि संविदा प्रक्रिया अगर लागू होती है, प्रत्येक वर्ष 60 प्रतिशत अंक लाने के लिए हमें घूस देना पड़ेगा ऊपर के अधिकारियों को, तब वो हमें 60% अंक देंगे। ये तो उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की व्यवस्था है, ये किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि संविदा प्रक्रिया एक प्रकार से बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। किसको, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। और आदमी का 3-4 प्रकार से शोषण होगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। मानसिक शोषण कैसे होगा, उसको प्रताड़ना दिया जाएगा और जब साल में 60 अंक देने की बात आएगी तो अधिकारी को घूस भी देना पड़ेगा 10 से 15 से 20 हज़ार, नहीं तो वो आपको 60 अंक नहीं देंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर संविदा प्रक्रिया आपको लागू करना ही है तो आप एग्जाम क्यों लेते हैं, डायरेक्ट आप संविदा पे ही भर्ती करवा सकते हैं। और नेताओं से भी मैं पूछता हूं कि अगर आपका भी मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाए और अगर प्रतिवर्ष आप 60% वोट नहीं पाते हैं प्रतिवर्ष के बाद, तो आपका जो विधानसभा वाला पोस्ट है, एमएलए वाला पोस्ट है या एमएलसी वाला पोस्ट है या एमपी वाला पोस्ट है, एमपी लोकसभा या राज्यसभा वाला पोस्ट है, उसको समाप्त कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मेरा ये कहना है कि राजनेताओं की संपत्तियों का भी जांच होना चाहिए। जितने भी राजनेता हैं उनके पास आज से अधिक संपत्ति है, उनकी संपत्तियों का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू थिंग्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो कानून बने वो सबके लिए बने। अगर संविदा पे शिक्षक रखे जाएंगे, अगर संविदा पे इंजीनियर रखे जाएंगे, अगर संविदा पे सरकारी कर्मचारी रखे जाएंगे, तो संविदा पे ही सरकार के नुमाइंदों को भी अर्थात नेताओं को भी रखे जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं अब हम वीडियो की तरफ। आपको लाइव दिखाते हैं वो वीडियो जहां पर वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में पोस्ट कर दूँगा।